हेलो फ्रेंड्स, सारा कुकहाउस में मैं शबाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम गाजर के हलवे की पूरियाँ बनाएंगे, जिसे आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा, पर ये पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, एक गाजर हलवा पूरी बनाने के लिए मैंने एक गाजर का हलवा लिया है। इसमें मैंने जो बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स डाले थे, उसे मैंने थोड़ा इस तरह से छोटा छोटा कट करके लिया है। ये नॉर्मल चपाती का जैसे आटा गूंदते हैं, वैसे ही आटा गूंद के लिया है मैंने। इसे बेलने के लिए सूखा आटा लिया है और इसे सेकने के लिए घी लिया है। तो चलिए गाजर हलवा पूरी बनाना शुरू करते हैं। अभी हम सबसे पहले ये आटे में से एक लोई तोड़ लेंगे। छोटी सी पूरी बनाने वाली हूँ मैं, इसलिए छोटी सी लोई उठाएंगे, इस तरह से रोल करेंगे सूखे आटे में लपेट के। इस तरह से इसकी कटोरी बनानी है। अभी हम इसमें ये स्टफिंग ऐड करेंगे हलवे का, जितना ज़्यादा भर सके उतना भरेंगे। अभी हम इसे साइड से उठाते हुए पैक कर लेंगे इस तरह से। अभी मैं इसे इस सूखे आटे में वापस रोल कर रही हूँ और इस तरह से इसे बेल लेंगे। ये देखिए, इतनी छोटी ही बनाने वाली हूँ पूरी में। देखिए, इस तरह से ये पूरी बिल के तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं और एक चार पांच पूरियाँ बना के ले लेती हूँ, उसके बाद हम इसे सेक लेंगे। तो ये देखिए, ये चार पांच पूरियाँ बना के मैंने तैयार कर ली है, अभी हम इसे सेक लेंगे। सेकने के लिए तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तवा गर्म भी हो गया है। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दूंगी। अभी हम एक एक पूरी उठा के इस पर सेकने के लिए डाल देंगे। एक साइड से हल्के हल्के बबल इसके ऊपर आना शुरू हो गए हैं, इस स्टेज पर मैं इसे पलट लूंगी। अभी मैं इसे दूसरे साइड से भी थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। अभी मैं दोबारा से इसे पलट रही हूँ, वापस घी लगा रही हूँ। तो ये देखिए, दोनों साइड से अच्छे से सिकने के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ और इसी तरह से मैं बाकी की पूरियाँ भी इसी तरह से भून के तैयार कर लूँगी। तो हमारी ये बहुत ही टेस्टी गाजर हलवा पूरियाँ बनके तैयार है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए। तो हमारी ये बहुत ही टेस्टी गाजर हलवे की पूरियाँ बनके तैयार है। अगर आपको नहीं पता है गाजर का हलवा कैसे बनाना है, तो उसकी रेसिपी मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा रेसिपीज देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.sarakukhouse.com। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।